Dear students, in this module we are going to talk about the research ethics. Ensuring the protection of human subjects is most important aspect in the field of social research. हम इंसानों के ऊपर जब रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो सबसे पहले जिस चीज को हम एनशोर करना होता है वो उनकी सेफ्टी होती है, उनकी सिक्योरिटी होती है और उनकी वैल्यूज होती हैं। So obtaining information और इंफॉर्म्ड कॉन्सेप्ट कंसेंट फ्राम द रिसर्च पार्टिसिपेंट्स इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हम ये नहीं कर सकते कि किसी की इजाज़त या किसी के इन्फ, को इंफॉम किए बग़ैर हम उनसे डेटा क्लेक्ट करें बल्कि हमें इंफॉम्ड कंसेंट लेनी होती है उनकी इजाज़त लेनी होती है स्टडी पार्टिसिपेंट्स की इजाजत से ही हम उनकी इन्फॉमेसन को यूज़ कर सकते हैं उसको क्लेक्ट कर सकते हैं एम मेनटेनिंग द कॉन्फिडेंशालिटी एंड एनॉानिमिटी ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स तो सर्वे डिज़ाइन हो या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जहाँ पर भी हम ह्यूमन इंडिविजुअल्स को स्टडी पार्टिसिपेंट्स के तौर पे लें हमें उनकी कॉन्फिडेंशाली इंश्योर करना होती है बहुत से ऐसे रिसर्च के टॉपिक्स होते हैं जो बड़े सेंसिटिव होते हैं जिसके हवाले से उनकी दी गई मालूम की बहुत सी इम्प्लीकेशनस हो सकती हैं उनके लिए ख़तरा हो सकता है तो हमें सबसे पहले ये करना होता है कि उन रिसर्च पार्टिसिपेंट्स की कॉन्फिडेंशाली इंश्योर करनी होती है उस डेटा को हम एनोनिमाइज कर लेते हैं ताकि वो पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो उसमें से आइडेंटिफाइबल ना रहें हम उनके स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं हम उनके नाम की जगह के ऊपर सर्टेन टैग या लेबल्स यूज़ कर लेते हैं ताकि रिसर्च पार्टिसिपेंट की असल पहचान या शनाख्त ना हो सके अवॉइडिंग द डिसप्शन एंड कर्शन इन द रिसर्च प्रोसीजर्स रिसर्च एथिक्स में ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप किसी भी स्टडी पार्टिसिपेंट को ना तो इंसेंटिवाइज़ कर सकते हैं ना उसको कोर्स कर सकते हैं उसको मजबूर नहीं कर सकते डेटा कलेक्शन के ऊपर उसके साथ इस तरह के वादे नहीं कर सकते कि हाँ फ्यूचर में आपके लिए इस रिसर्च की बदौलत एज एन इंडिविजुअल आपको हम ये ये इंसेंटिवस दे सकते हैं या ये ये बेनिफिट्स दे सकते हैं एज़ लॉन्ग एज यू कैन गिव

एक्नोलेजिंग एंड अवॉइडिंग द कॉन्फ्लिक्टज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट ये ना हो कि आपका उस पर्टिकुलर रिसर्च एरिया या रिसर्च फील्ड के अंदर अपना जतीि मुफाद है और इस बुनियाद के ऊपर आप सर्टन कंक्लूजनस ड्रा कर लें ताकि उससे आपको पर्सनल बेनिफिट मिल सके तो ये भी रिसर्च एथिक्स की ख़िलाफ़ वर्जी है कंडक्टिंग रिसर्च दैट बेनिफिट सोसाइटी एंड कंट्रीब्यूट द नॉलेज अल्टीमेट पर्पस जो रिसर्च का होना चाहिए वो ये है कि सोसाइटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होना चाहिए सोसाइटल वैल्यूज़ को डैमेज नहीं करना चाहिए और पर्टिकुलरली उसका जो नॉलेज की फील्ड है एक्डेमिक uh, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसर्च के अंदर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए एग्जिस्टिंग लिटरेचर में उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए फॉर एग्जांपल एडहेरिंग टू द एथिकल गाइडलाइंस इन कंडक्टिंग आर स्टडी ऑन द एक्सपीरियंसेस ऑफ पाकिस्तानी चिल्ड्रन इन द चाइल्ड लेबर जब हम चाइल्ड लेबर की बात करते हैं तो ऑबियसली वो चूँकि माइनर्स हैं उनको उनके हवाले से ये एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक होगा आप चाहे पार्टिसिपेंट ऑब्ज़र्वेशन करते हैं अन ऑपक्रूसिव ऑब्जर्वेशन करते हैं या कोई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कन्डक्ट करते हैं या सर्वे करते हैं किसी भी किस्म का रिसर्च डिज़ाइन जो है उसमें आपको बहुत एहतियात बरतनी पड़ेगी एथिकल कंस्ट्यूशन के हवाले से क्योंकि माइनर्स हैं और उस तरह से ये कॉन्सेंट जो है उनकी नहीं ली ली जा सकती उनके पेरेंट्स से कॉन्सेंट लेनी पड़ेगी और इसके साथ साथ उनकी वर्क प्लेस से कॉन्सेंट लेनी पड़ेगी और ये इन सारे गाइडलाइंस को एथिकल गाइडलाइंस को मद्देनजर रख के ही ये रिसर्च जो है कंडक्ट की जा सकेगी